गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 11 का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ये कि कॉट एक्स का वैल्यू आपको दे दिया गया 3/4 और आपको बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे कि साइन कॉस टैन सेक कॉस है उन सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है। और एक और बात दे रहा है यहाँ पे कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है ये वैल्यू। क्वाड्रेंट आप समझते होंगे बच्चों, जहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, याद है आपको, यानी यहां पे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स सभी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि ये जीरो ये 90 होता है, ये 180 है और ये 270 है, ये वापस से 360 हो जाता है, पूरा चक्कर हो जाएगा ना ऐसा गोल। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल्स आएंगे आपके, याद होगा आपको आपने 10th क्लास में जो वैल्यूज पढ़ी होंगी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस के लिए, जब आप पढ़ते थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, याद होगा आपको, उनमें जिसके भी रिजल्ट आते थे जैसे साइन 0 का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते थे। देख रहे हैं आप, क्योंकि ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। देखिए 0 से 90 के बीच के ही एंगल है ना ये सारे, देखो 0 यहाँ पे आएगा, 30 यानी यहाँ कहीं आएगा, फिर 45 यहाँ कहीं आएगा, 60 यानी ये सब 90 तक की वैल्यू जो है वो सभी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देती है। लेकिन जैसे ही 90 से ऊपर हम जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ऊपर मतलब जैसे कि आपसे पूछ ले साइन 110 साइन 135 140 160, तो जो 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो केवल साइन और कॉसेक के लिए पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के लिए वो नेगेटिव होंगे। तो ये आपने पढ़ा होगा रूल ए एस टी और सी। टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब समझ गया? जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूंगा साइन 180 से और 270 के बीच में कोई एंगल, देखिए 180 से ऊपर देखिए 190 बोल लीजिए, साइन 190 का वैल्यू क्या होगा, वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो 190 मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। और अगर मैं टेन 190 का बोलूंगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो वैसे ही बोल रहा है कि कॉट एक्स का वैल्यू 3/4 है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो कॉट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका रिवर्स होता है टेन, यानी इसका अपोजिट टेन होता है, तो टेन का वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगा, बाकी साइन कॉस सेक कॉसेक वो सारे के सारे नेगेटिव आने हैं, ओके। तो शुरू करते बच्चों हम लोग, तो आपको अपोजिट तो पता होंगे, याद होगा आपको साइन कॉस टेन, फिर यहाँ पे कॉट लिखिए, फिर सेक और फिर कॉसेक। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट, ओके। तो यहाँ पर कॉट एक्स का वैल्यू हमें पता चल गया, तो कॉट से हम टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कॉट एक्स होता है 1/10x, तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/cot x, तो 1/ और cot x का वैल्यू रख देंगे हम लोग क्या 1/3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/3। तो देखिए cot का ठीक उल्टा होता है ना 10, तो 10 का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है 4/3, तो आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे कि cot 3/4 है तो 10 4/3 हो जाएगा, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो पता होगा, है ना, लेकिन देखिए वहां पे साइन और कॉस का वैल्यू नहीं आ रहा है ना, वो टेन और कॉट नहीं आ रहा है, तो टेन हम कहते हैं आपने ये फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद है। अब अगर मैं ये वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास साइन और कॉस मुझे फाइंड करना है, लेकिन इनमें से वैल्यू कोई भी नहीं है पता हमें। इसी के साथ बच्चों एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, 1+tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, याद है आपको, इसी से बना सकते हैं इसको। जैसे एक फॉर्मूला और बनता है इससे, आप क्या करें, हमें टेन चाहिए सेक चाहिए, तो sec² थीटा tan² थीटा, तो आप टेन पाने के लिए साइन अपॉन कॉस करते हैं, तो इन सबको कॉस से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे हो जाएगा 1/cos² x, ठीक है।
तो ये सारी की सारी वैल्यूज देखिए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस ये हो जाएगा वन, और वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बनता है। एक और फॉर्मूला बनता है, अब की बार इसी फॉर्मूले को हमने कॉस से डिवाइड किया था, अब साइन से डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हुआ, वन प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स, और इज इक्वल टू वन अपॉन साइन क्या होता है कॉस एक स्क्वायर एक्स। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर थीटा। तो तीन फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ी। अब आप देखिए बच्चों कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कॉट का वैल्यू, याद है आपको, और हमने यहां से निकाला टेन का वैल्यू, ये रहा इधर टेन का वैल्यू हमने निकाला। और यहां पर देखिए टेन का वैल्यू हमें फॉर्मूले में यहां पर रख सकते हैं, तो टेन रख के हमें सेक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रख दीजिए टेन का वैल्यू आया था हमारा 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9 प्लस 1, तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 9 16 प्लस 9 25 अपॉन 9। अब यहाँ पे sec स्क्वायर x स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा रूट 25/9 और प्लस माइनस साइन, क्योंकि स्क्वायर अगर सामने रूट लगाता है तो साथ में प्लस माइनस दोनों के लिए लगाता है। ओके, दोनों वैल्यूज आएंगी, मतलब यहाँ पे sec की दो वैल्यू, sec x की वैल्यू हो गई तो प्लस, अब 25 का रूट बाहर आ जाएगा 5 और 9 का आ जाएगा 3, तो एक sec x जो है प्लस 5/3 है और एक sec x जो है -5/3 है। ठीक है, अब देखिए एक ये है एक ये है, हमको कौन सा वाला वैल्यू चाहिए। देखिए क्वेश्चन कहा था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चेक कीजिए आप जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होना है और वो दोनों हमारे आ चुके हैं, यानी और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे पॉजिटिव वाले को छोड़ देंगे और नेगेटिव वाले को उठा लेंगे, यानी ये हमारा sec x का जो वैल्यू जो आंसर होगा sec x के लिए वो ये वाला हम लेंगे। ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे। अब हमारे पास sec आ गया, अब साइन और कॉस भी निकाल सकते हैं हम लोग। आपको पता होगा कि sec थीटा जो होता है, यानी sec x जो होता है वो 1 अपॉन cos x होता है, और cos x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec x, तो यानी 1 अपॉन और sec का वैल्यू आ जाएगा -5/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो cos x का वैल्यू आ जाएगा -3/5। ठीक है, अब cos का वैल्यू आ गया, यहाँ से आप sin का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1, तो sin स्क्वायर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 का हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा 25, 25 बन जाए 25 माइनस 9 कितना हो जाता है 16 अपॉन 25। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं इसको, तो ये 16 अपॉन 25 हो गया, ये था किसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू था ना ये, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 16/25, तो साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट 16/25। ठीक है, प्लस माइनस, तो साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 का हो जाएगा 4, 25 का हो जाएगा 5, और साथ में माइनस, क्योंकि याद है हमने कहा था थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सब ने माइनस ही होना है टेन और कॉट के अलावा, तो टेन और कॉट हमने दोनों पॉजिटिव निकाल लिए थे, अब बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव, तो डायरेक्ट हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड आंसर कंप्लीट, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है sec x का वैल्यू दिया 13/5 और कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये हमने बनाया फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर sec x का वैल्यू है। फोर्थ में a s t c यानी cos और sec पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो यानी sec और sec का ठीक उल्टा cos, इन दोनों ने पॉजिटिव आना है। ओके, और हमें पता है
यहाँ पे जो sec x है हम इसका रिवर्स भी बताए, cos x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec x, याद है आपको? तो 1 अपॉन 13 अपॉन 5, 5 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 5 बाय 13, ये आ जाएगा cos x का वैल्यू। ओके, cos x हो जाएगा 5 बाय 13। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव ही होना है। अब यहाँ से cos का वैल्यू आ गया, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 बाई 13 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 1 माइनस 25 बाई 13 का होता है 169, 169 वनजा 169 माइनस 25 कितना होता है 144 अपॉन 169, ये किसका वैल्यू आ गया? साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 144 अपॉन 169, स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 144 होता है 12 और 169 होता है 13। तो हम कौन सा वाला वैल्यू लेंगे? देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने बोला आपको कि केवल कॉस और सेक प्लस होंगे, बाकी सारा, जैसे आपको यहाँ पे पता चला कि कॉस और सेक प्लस होंगे और वो आप पहले निकाल चुके हो, तो यानी बाकी जितने भी आएंगे उन सबको आप माइनस लेके चलिए, तो यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बाय 13, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब साइन एक्स आ गया हमारे पास, कॉस एक्स आ गया, यहां से हम टेन एक्स निकाल सकते हैं। टेन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स है माइनस 12 अपॉन 13, कॉस है माइनस 5 बाय 13, 13 से 13 कैंसिल, माइनस 12 बाय 5, यह आ जाएगा 10 का वैल्यू। 10 का आ गया तो कॉट का भी आ जाएगा, कॉट होता है 1 अपॉन 10 एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 का वैल्यू माइनस 12 बाय 5, 5 ऊपर जाएगा तो 5 बाय 12 माइनस का, यह आ गया कॉट का वैल्यू। ठीक है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे आ चुके हैं, यानी देखिए कॉस आ गया है और सेक आ गया, सेक कॉस टेन कॉट और साइन कॉस भी आ गया ना, साइन कॉस कोई छूटा है, कॉसेक छूटा है, तो कॉसेक का वैल्यू कितना होगा, तो कॉसेक का वैल्यू होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन का वैल्यू हमारा आया था माइनस का 12 बाय 13, तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस 13 बाय 12, ये कॉसेक का आ गया। और एक sec का भी छूटा है, sec का वैल्यू होता है, नहीं sec हमें दे ही रखा था है ना, तो 5 हमने निकाल दिया, एक हमें दे रखा था, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बोल रहा है और 10 का वैल्यू है माइनस 5 बाय 12, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ए एस टी सी, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा है तो 10 का वैल्यू नहीं, यहां पे केवल साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, यहां पे दोनों पॉजिटिव होने बाकी सब नेगेटिव होने, तो 10 से हम लोग, याद है आपको अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो पहले तो हम वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, या टेन का रिवर्स कॉट होता है वो भी निकाल सकते हैं, तो कॉट एक्स का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन टेन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 5 बाय 12, 12 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 12 बाय 5 माइनस का, ये हो जाएगा कॉट एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब यहां से हम लोग टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, याद है आपको, तो यहाँ पे हम लोग 10 का वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ से sec का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस, और 10 का वैल्यू कितना है माइनस 5 बाय 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
वन प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस, फाइव का हो जाएगा 25 अपॉन 144, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 169 अपॉन 144, और ये sec स्क्वायर x का वैल्यू था तो sec x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 169 अपॉन 144 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 13 अपॉन 12। अब देखिए हमने अभी बात करी थी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो यानी यहाँ पर भी हम नेगेटिव वाला ही लेंगे, ठीक है। तो sec x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 13/12। ओके, अब हमारे पास sec x आ चुका था और हम यहाँ से tan, cot और sec हमारे पास आ चुका है ना, तो sec x हमारे पास आया माइनस 13/12। तो sec जो होता है बच्चों वो cos का रिवर्स होता है, तो cos x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec x, याद होगा आपको है ना, तो ये नहीं हो जाएगा 1 अपॉन sec x का वैल्यू माइनस 13/12, 12 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 12/13 माइनस में, ओके ये आ जाएगा sec x का वैल्यू, वो सॉरी cos x का वैल्यू। अब cos x आ गया तो यहाँ से आप साइन भी निकाल सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारे पास कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है माइनस 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 12 का होता है 144, 169, 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा 25/169, तो साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस, तो हो जाएगा 5/13। और साइन एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता था ए एस टी सी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 5/13, ठीक है। तो साइन आ चुका है, कॉस आ चुका है, और हमारे पास सेक भी आ गया है, कॉट भी आ गया है, टेन भी आ गया है, कॉसेक हमने नहीं निकाला अभी है ना, तो कॉसेक निकालते हैं, तो कॉसेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स, तो साइन का वैल्यू कितना है 5/13, तो 1 अपॉन 5/13, 13 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 13/5, और वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।